बीच सड़क धधकती बस का ये वीडियो देश की राजधानी का है, जहां दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी की बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरी बस से धुएं का गुबार उठने लग गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने से कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। रायपुर थाना इलाके में 2 कारों की आपसी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही आग लग गई। इस दौरान कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक मध्य प्रदेश के डूंगर गांव के रहने वाले थे। सड़क हादसे के बाद आग लग गई, जिसके बाद मौके पर ही लोगों की भीड़ जमा हुई। इस दौरान फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के 24 अकबर रोड के पास बने सेवा दल के ऑफिस में कल शाम आग लग गई। जानकारी के मुताबिक 26 अकबर रोड में कांग्रेस का सेवा दल का ऑफिस है, जिसमें कल शाम एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद ही इस पर काबू पा लिया गया था। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से जो बिजली वगैरह के उसमें एसी पड़े थे, उन एसी में से ही आग लगी है और वो बुझा दी गई है। वैसे कोई नुकसान ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना में डकैतों ने फिल्मी स्टाइल में शक्कर से लदी मालगाड़ी लूटने की कोशिश की है, लेकिन रेलवे पुलिस फोर्स ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आरपीएफ पर फायरिंग की गई तो जवाबी कार्रवाई में डकैतों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। जवानों की गोलीबारी में एक डकैत घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गोवा एक्सप्रेस का इंजन फेल होने से सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया था। इसी दौरान रात में डकैतों ने मालगाड़ी से शक्कर की बोरियां उतारनी शुरू कर दी थी। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं 2 आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इससे पहले करौली पुलिस ने हिंसा के सभी 22 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और 20 को न्यायिक हिरासत में और 2 को रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। दरअसल इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 22 को अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी 14 लोगों की तलाश की जा रही है। हिंसा की आग में जली करौली में अब शांति लौटने लगी है। ऐसे में कर्फ्यू में ढील देने की तैयारियां की जा रही है। शांति समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। हालांकि कलेक्टर ने प्रशासनिक सख्ती जारी रखने की बात कही है। उधर सभापति के बेटे अमीमुद्दीन और मतलूब को लेकर एसपी ने दावा किया है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले में 26 और 31 मार्च को हुई समुदाय विशेष की बैठक को लेकर भी जांच कर रही है। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं 2 आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इससे पहले करौली पुलिस ने हिंसा के सभी 22 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और 20 को न्यायिक हिरासत में और 2 को रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। दरअसल इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 22 को अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी 14 लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 90 करोड़ की कोकीन के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 किलो कोकीन के साथ लाइबेरिया का नागरिक पकड़ा गया है। पकड़े गए कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के बैग में कैविटी बनाकर रखे गए 8 कोकीन से भरे पैकेट मिले हैं, जो तस्करी करके लाए हुए थे। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम आरोपी से ड्रग्स कहां से लाया गया और कहां इसकी सप्लाई होनी थी, इस बात की पूछताछ में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने मासूमों की तस्करी करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली में यह गैंग नवजात शिशुओं की तस्करी करती थी। पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते थे जिनकी कोई संतान नहीं होती थी। ये आरोपी मासूमों को चुराते थे और दूसरों को बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में एक नवजात बच्चे का पिता और एक IVF सेंटर में सलाहकार के तौर पर काम करने वाली 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पंजाब के गुरदासपुर में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। इस वीडियो के मुताबिक जिस समय ये पूरा विवाद हुआ, उस समय मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद थे।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले सिर्फ मूक दर्शक बने हुए थे जबकि उनके सामने फायरिंग हो रही थी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि जब फायरिंग हो रही थी तब दूर खड़े पुलिस वाले पूरी वारदात का वीडियो बना रहे थे। Get your favorite celeb looks with just a click. That's why we are the fashion expert. Myntra, India's fashion expert. Download now. मशक्कत की गहरी आंच में पकने के बाद भी मिलती है पहचान। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। और चलिए सुपर 30 में अब वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पाकिस्तान में देर रात एक और सियासी ड्रामा देखने को मिला। कार्यवाहक पीएम इमरान खान को एक और झटका देते हुए विपक्ष ने होटल में ही विधानसभा का सत्र बुला लिया। विपक्ष ने पंजाब विधानसभा का एक होटल में सत्र बुलाने का दावा किया और 199 सदस्यों ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। विपक्ष के दावे के मुताबिक हमजा शाहबाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम होंगे। हालांकि नए मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा को सील कर दिया गया था। विपक्षी दलों के सदस्यों को भी जाने से रोक दिया गया था। यूक्रेन से युद्ध के दौरान आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप झेल रहे रूस पर आज संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई एक्शन लेने का ऐलान हो सकता है। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपातकालीन सत्र बुलाया है। सत्र में आज रूस के खिलाफ वोटिंग होगी। अमेरिका ने परिषद से रूस को बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से कहा गया है कि 193 सदस्यों वाली इस संस्था से रूस को बाहर करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर कार्रवाई की उम्मीद है। भारत के मुकाबले पड़ोसी देशों के साथ विदेशी कूटनीति में असफल रहने वाला चीन अब नेपाल के रास्ते भारतीय सेना की निजी जानकारी चुराने के लिए साजिशें रच रहा है। चीन अब नेपाल में अलीपे के माध्यम से भारतीय सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट को नेपाल में बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनी ग्राहक बनाने के लिए पैसों का लालच दे रही है। इस ऐप के जरिए भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों के जरिए चीन जानकारी जुटाना चाह रहा है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है गुरु, मेहनत की गर्म कढ़ाई में खुद को तलोगे नहीं तो सफलता का स्वाद चखोगे नहीं। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं राजनीति जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आज संसद का बजट सत्र खत्म होने जा रहा है। तय समय से एक दिन पहले ही संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। पहले जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 8 अप्रैल को दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की जानी थी, लेकिन अब एक दिन पहले ही कार्यवाही खत्म की जाएगी। संसद के एक अधिकारी ने बताया है कि इस सत्र में जिन विधेयकों को पारित किया जाना था उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन चुकी है। ये बिल पास किए जा चुके हैं, अब कोई बड़ा संसदीय एजेंडा नहीं बचा है। इससे पहले भी 5 संसद सत्र तय वक्त से पहले खत्म हुए थे। एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है। हालांकि दिल्ली में पीएम मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात के बाद शरद पवार ने खुद ही इन्हें खारिज कर दिया। यूपीए का नेतृत्व करने के सवाल पर भी शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि वे कई बार बता चुके हैं कि ये जिम्मेदारी उठाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। पवार ने ये भी कहा कि उन्होंने संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के बारे में मोदी से बातचीत की है। पवार ने कार्रवाई को राउत का सरकार के खिलाफ बोलने को वजह बताया है। गोधरा कांड को लेकर अमित शाह ने लालू यादव को जमकर घेरा और 2002 के गोधरा कांड को एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर इस घटना की जांच के लिए नई समिति नहीं बनाने का आरोप लगाया है।
दरअसल घटना की जांच के लिए सितंबर 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा यूसी बनर्जी आयोग के गठन पर सवाल उठाया गया था। दरअसल साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड में 59 लोग मारे गए थे। मोदी सरकार ने राज्यसभा में भी सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पास करवा लिया है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया। वहीं दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने पर विपक्ष के प्रस्ताव पर राज्यसभा में वोटिंग हुई है, लेकिन विपक्ष इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान दौर में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसीलिए विधि आयोग की ओर से इसकी सिफारिश की गई थी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकवादी गतिविधियों में भारी कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सदन में दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अगस्त 2019 तक आतंकी हिंसा में 177 नागरिक और 406 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, जबकि 5 अगस्त 2019 से नवंबर 2021 तक कश्मीर में 87 नागरिक और 99 सुरक्षाकर्मियों की जान गई है। अगर आतंकी हमलों की बात की जाए तो सरकार ने दावा किया है कि 2018 में 417 हमले हुए, वहीं 2021 में ये संख्या करीब आधी होकर 219 रह गई। वहीं 370 हटने के बाद घाटी में 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके गृह नगर के ही रहने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे डाली। फेसबुक पर राकेश सिंह नाम के एक शख्स ने लिखा, मुझे कोई रिवॉल्वर दो, मुझे गहलोत को सबक सिखाना है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जोधपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में राकेश सिंह ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। इससे पहले भी गहलोत को धमकियां मिल चुकी है। जेईई मेंस परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब ये एग्जाम्स जून और जुलाई के महीनों में होंगे। 12वीं बोर्ड और जेईई मेन 2022 की तारीखों में टकराव के चलते इंजीनियरिंग में एडमिशन की प्रवेश परीक्षा में बदलाव किया गया है। जेईई मेन के पहले सत्र की परीक्षा, जो पहले 21 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित होनी थी, अब वह परीक्षा 20 से 29 जून तक आयोजित होगी। वहीं जेईई मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा मई के बजाय जुलाई में आयोजित की जाएंगी।